अंग्रेजी बोलने भी नहीं आता है, तो गृह मंत्री ने अपने बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया है, तो हर कोई तो देश का गृह मंत्री नहीं है ना। अगर अदानी जैसे बड़े धन्ना सेठों का कर्जा माफ किया जा सकता है, तो किसानों का भी कर्जा माफ किया जाना चाहिए। मंत्री जी का बेटा पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड जाएगा, कैम्ब्रिज जाएगा, हार्वर्ड जाएगा, तो क्या इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, किसानों, महिलाओं, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी की जरूरत नहीं है? कि सरकार हमसे अलग अलग तरह का टैक्स तो ले रही है, लेकिन बदले में कुछ भी देने को तैयार नहीं है। कल की रात हम लोगों पे बहुत भारी गुजरी है। बड़ी उम्मीद थी पूरे देश को कि हम लोग वर्ल्ड कप जीतेंगे। हमारी टीम ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन जो आशा थी कि वर्ल्ड कप हम लोग जीत पाएंगे इस बार, वो नहीं हो पाया। अभी उस दुख से हम लोग पूरी तरह से उभरे भी नहीं थे कि सुबह सुबह जो है चुनावी वक्त है और जिम्मेवारियां हैं, आप लोगों से बातचीत करने के लिए यहाँ आना हुआ। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और सीधे सीधे हम दो चार बातें आपके समक्ष रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा आपके प्रश्न हों और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सबसे अव्वल बात तो ये कि इस बार के राजस्थान के चुनाव में सबसे जो खास बात है, जिसकी चर्चा देश के हर कोने में है, मिजोरम हो, तेलंगाना हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, या देश के दूसरे हिस्से में भी जो हम जा रहे हैं, तो राजस्थान की चर्चा जरूर होती है प्रमुखता से। उसकी वजह ये है कि राजस्थान ने एक बार फिर से देश के समक्ष ये साबित किया है कि जब भी मौका होता है नंबर वन बनने का, राजस्थानी लोग पीछे नहीं हटते हैं। उस अवसर को वो गंवाते नहीं हैं, उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और इस बार भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार ने, माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने, मुख्यमंत्री साहब ने, जनता ने जो आशीर्वाद दिया, उसका भरपूर लाभ जो है जनता को दिया है। और अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो देश में कई ऐसे महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है। ऑल्दो राजस्थान इटसेल्फ वीरों की भूमि है, बलिदान की भूमि है, स्वर्णिम इतिहास है इस प्रदेश का, लेकिन हम आज़ादी के बाद भी अगर देखें तो जो देश के महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं उसकी शुरुआत राजस्थान से हुई है। चाहे आप पंचायती राज व्यवस्था की बात करें, चाहे आप मनरेगा की बात करें, चाहे आप सूचना के अधिकार की बात करें, ठीक उसी तरह से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जो जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है, उसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, जो लोग भी आज दुनिया में वेलफेयरिज्म को लेकर के बहस कर रहे हैं, कल्याणकारी योजनाओं को लेकर के बहस कर रहे हैं, तो राजस्थान एक मॉडल के रूप में इमर्ज किया है। एक सीधा सा सवाल है कि लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की सरकार। सरकार हम क्यों चुनते हैं? सरकार हमसे टैक्स कलेक्ट करती है, बदले में हमको सुरक्षा, सहायता, न्याय ये मुहैया कराती है। हम हर चीज़ में टैक्स सरकार को देते हैं, बदले में सरकार हमारे लिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सबकी व्यवस्था करती है। ये लोकतंत्र का मॉडल है। कहीं ना कहीं पिछले कुछ दशकों में ये देखा गया कि सरकार हमसे अलग अलग तरह का टैक्स तो ले रही है, लेकिन बदले में कुछ भी देने को तैयार नहीं है। सड़क पे चलना फ्री नहीं है, तेल खरीद रहे हैं तब टैक्स लग रहा है, कार खरीद रहे हैं तब टैक्स लग रहा है, फिर उसी कार को लेकर के जब आप सड़क पे जा रहे हैं तो टोल टैक्स लग रहा है। अलग अलग तरह के जो है टैक्स लग रहे हैं, सेस लग रहा है, लेकिन बदले में कुछ भी आपको नहीं मिल रहा है। एजुकेशन देना सरकार की जिम्मेवारी नहीं, स्वास्थ्य की मुहैया कराना सरकार की जिम्मेवारी नहीं, सड़क बनाना सरकार की जिम्मेवारी नहीं, तो आखिर सरकार क्या करेगी? सरकार हम क्यों चुनते हैं? यह प्रश्न जो है लोकतंत्र के भीतर पैदा हुआ, पूरी दुनिया में इसको लेकर के एक बहस हुई और राजस्थान ने इस मॉडल को दुनिया के सामने रखा कि हम जनता से टैक्स लेंगे, अगर अदानी जैसे बड़े धन्ना सेठों का कर्जा माफ किया जा सकता है, तो किसानों का भी कर्जा माफ किया जाना चाहिए। अगर नेताओं को पेंशन मिलेगा तो सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशन देना पड़ेगा। अगर मंत्री की सुरक्षा के लिए जो कांस्टेबल लगे हुए हैं, जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, तो मंत्री को भी पेंशन नहीं मिलना चाहिए। अगर मंत्री को रहने के लिए घर मिलेगा, अगर उनको फ्री बिजली मिलेगी,
अगर उनको टेलीफोन का भत्ता मिलेगा, अगर उनको यात्रा की भत्ता मिलेगी, तो देश की आम जनता को भी मिलना चाहिए। और ये मॉडल लेकर के जो है राजस्थान की सरकार आई, और उसका नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री जब प्रचार के लिए आए, हालांकि उनका फेवरेट सब्जेक्ट जो है वह विभाजन, नफरत, जाति की बात, धर्म की बात, दंगे की बात, लेकिन वो भी योजनाओं की बात करने लगे। और आप देखिए कि किस तरीके से उनको अपना मैदान छोड़ना पड़ा। वो किसी भी चुनाव में जाते थे तो नफरत और विभाजन की बात करते थे, बंटवारे की बात करते थे। यहां आकर के वो भी कह रहे हैं कि हम 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। ये बहुत बड़ी जीत है जनता की कि आप 500 रुपये में सिलेंडर देना शुरू किए, तो जो सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, जो पार्टी सरकार में आना चाहती है, वो भी कह रहे हैं हम 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। तो देंगे क्यों, देना शुरू कर दीजिए। केंद्र में आपकी सरकार है, पूरे देश में आपकी सरकार है, बगल में उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, आसाम के मुख्यमंत्री आए थे, आसाम में आपकी सरकार है, आप देना शुरू कर दीजिए ना। आप बताइए कि ओल्ड पेंशन स्कीम आप लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया। आप बताइए कि किसानों का कर्जा माफ होगा कि नहीं होगा। अगर लाखों करोड़ कर्जे जो हैं पूंजीपतियों के माफ हो सकते हैं, अदानी जैसे बिजनेसमैन के माफ हो सकते हैं, तो किसानों के क्यों नहीं माफ हो सकते। ये एक मॉडल राजस्थान लेकर के आया है, और आप सब लोग इस बात को नोट कर रहे होंगे। ये अपनी मुंह अपनी प्रशंसा करने की बात नहीं है। आप राजस्थान में किसी से भी जाकर के पूछ लीजिए, भाजपा दफ्तर में जाकर के भाजपाइयों से पूछ लीजिए, वो भी कहेंगे कि अशोक गहलोत जी के खिलाफ कोई गुस्सा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, अशोक गहलोत जी ने बहुत शानदार काम किया है, चिरंजीवी योजना की इतनी प्रशंसा हो रही है कि हर किसी को पता है अब उनके मन में कोई असुरक्षा नहीं है। उनके लिए बच्चों की अच्छी पढ़ाई संभव है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। और इसमें भी बेईमानी देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि अंग्रेजी पढ़ाने की क्या जरूरत है। अरे साहब, मंत्री जी का बेटा पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड जाएगा, कैम्ब्रिज जाएगा, हार्वर्ड जाएगा, तो क्या इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, किसानों, महिलाओं, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी की जरूरत नहीं है? अंग्रेजी बोलने भी नहीं आता है तो गृह मंत्री ने अपने बेटे को BCCI का सेक्रेटरी बना दिया है। तो हर कोई तो देश का गृह मंत्री नहीं है ना कि उसका बेटा BCCI का सेक्रेटरी बन जाएगा। तो ये मॉडल राजस्थान लेकर के आया है, और ये मॉडल जनपक्षीय मॉडल है, ये मॉडल जन कल्याणकारी मॉडल है। इस मॉडल में वही बात को दोबारा रीइंस्टेट किया गया है जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है, जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा। हम जनता के टैक्स से ही सब कुछ करते हैं। मंत्री जी का हवाई जहाज भी जनता के टैक्स के पैसे से ही खरीदा जाता है। 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा भी जनता के पैसे से ही बन रहा है। जनता के पैसे से ही बड़े बड़े पूंजीपतियों का भी कर्जा माफ किया जाता है। मंत्री जी का कार भी जनता के पैसे से आता है। सरकारी कर्मचारियों का वेतन भी जनता के पैसे से ही मिलता है। जब सब कुछ जनता का है तो जनता को वापस करना, इसको रेवड़ी कहना बेईमानी है। पहले ये इसको रेवड़ी कहना शुरू किया जब इन्होंने देखा कि जनता इस बात से नाराज हो रही है, और वह इस बात से खुश हो रही है कि उसके लिए चिरंजीवी योजना लाई गई है, गृहलक्ष्मी योजना लाई गई है, सस्ता खाना देने की व्यवस्था की गई है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया है, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। जब देखा कि जनता इस बात से नाराजगी जता रही है, तो अचानक से उन्होंने जो है अपने बात को पलट दिया। बात पलटने में तो भाजपा माहिर है। पहले जो है उन सारी योजनाओं को रेवड़ी बता रहे थे। जब जनता ने उसको कहा कि ये रेवड़ी नहीं है, हमारा अधिकार है, ये हमारा राइट है, ये प्रिविलेज नहीं है, ये हमारा राइट है, और जब जनता के अंदर इस बात का असर होना शुरू हुआ, पहली बार आप देखेंगे कि सरकार के खिलाफ राजस्थान में कोई एंटी इनकम्बेंसी ही नहीं है। कहीं कहीं आपको किसी नेता से कोई नाराजगी मिल सकती है, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। इस बात को देखते हुए फिर BJP के पास एक ही रास्ता बचता है, वो जो है ऊंच नीच, जात पात, धर्म, बंटवारा, नफरत, उस पे वो उतर आए हैं। एक तरफ वो अपने संकल्प की भी बात कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उनको उन संकल्पों को पूरा नहीं करना है, उनकी आदत है कि बस वो कहते हैं। आप सब जानते हैं, उन्होंने ही पहले 15 लाख रुपये सबके खाते में पहुंचाने की बात की थी, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी, कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है।
2022 तक पक्का मकान बनाने की बात की थी, बुलेट ट्रेन चलाने की बात की थी, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की थी, कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। इसीलिए वो जो वादा भी कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि हमारी गारंटी है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी गारंटी है। सर गारंटी की क्या बात है, आप तो हैं प्रधानमंत्री, कांग्रेस से ज्यादा देश में आपकी पार्टी की सरकार है, आप लागू कर दीजिए ना। जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राजस्थान मॉडल बनाया है, आप बताइए कि ये मॉडल जो है आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। आप इस पे स्टैंड लीजिए कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे कि नहीं करेंगे, आप स्टैंड लीजिए कि आप चिरंजीवी जैसी योजना लेकर आएंगे कि नहीं आएंगे, आप देश भर में जो है आम गरीबों विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, आप ये लागू कीजिए कि पूरे देश में जो है 450 रुपये में 500 रुपये में लोगों को सिलेंडर मिलेगा, आप ये लागू कीजिए जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने 3 लाख तो सरकारी नौकरी दी है, 9 लाख से ज्यादा मनरेगा में लोगों को काम मिला है, लगभग 90 लाख और 1 करोड़ लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रहा है। अगर हम वृद्धा पेंशन की बात करें तो आपको नोट करना चाहिए इस बात को कि भारत की सरकार ने जो ओल्ड लोगों को, बूढ़े लोगों को जो कंसेशन मिलता था रेलवे में, उसको बंद कर दिया है और कह रहे हैं ये कि हम देंगे, ये नहीं देंगे, जो मिल रहा है वो भी ये बंद कर देंगे। इसीलिए ये राजस्थान में एक बार फिर से ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, आते हैं और कहते हैं भारत माता की जय। भारत माता की जय का मतलब होता है भारत के लोगों की जय, भारत के किसानों की जय, भारत के माताओं की जय, भारत के बूढ़ों की जय, भारत के बच्चों की जय, भारत के महिलाओं की जय, भारत के अंदर गरीबों की जय। देश सिर्फ 2-4 मुट्ठी भर लोगों का नहीं है, देश इस देश के 140 करोड़ लोगों के रहने वालों का है। और जय कहने का मतलब ये होता है कि आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं। आपके काम को अगर हम देखें तो आप कहते हैं भारत माता की जय, करते हैं अदानी भैया की जय, सारा एक एक करके पोर्ट जो है आपने अदानी को दे दिया है। आप सबको मालूम होना चाहिए जयपुर पोर्ट भी जो है अदानी को देने की बात हो रही है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी बात को आप काट सकते हैं। तो एक मॉडल राजस्थान ने दिया है और पहली बार मैं समझता हूं, अगर मैं ठीक हूं तो, बड़े जोर शोर तरीके से, शानदार तरीके से राजस्थान के चुनाव में योजनाओं की बात हो रही है और हम अपने पिच पर उनको लेकर के आए हैं। वो भी ये कहना शुरू किए हैं कि हम 450 में सिलेंडर देंगे, लेकिन आप जानते हैं कि उनकी बात की कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है उनकी बात की। मैं तो कहता हूं कि 1 मिनट के लिए अगर ये गारंटी बीजेपी की होती, अगर ये गारंटी RSS की होती, अगर ये गारंटी वसुंधरा राजे की भी होती, तो 5 गारंटी में से वो 1 गारंटी जरूर पूरा कर देते। ना कोई इनके पास चेहरा है, ना इनका चाल है, ना चरित्र है, ना इनकी नीति है, ना नीयत है। इसीलिए आप सबके माध्यम से मैं राजस्थान के लोगों से ये अपील करता हूँ कि इस बार राजस्थान के चुनाव में सरकार नहीं बनेगी, परिपाटी बदलेगी। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परिपाटी बदलती है और कि कुछ राज्यों का अगर हम एग्जाम्पल आपके सामने रखें, जहां एंटी इनकम्बेंसी थी, बार बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले गए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लोगों ने चुनाव हरा दिया, धामी साहब चुनाव हार गए थे, वहां तो बीजेपी की सरकार बन गई, फिर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बनेगी। मैं समझता हूं कि राजस्थान के लोगों को यह फैसला लेना है, राजस्थान के लोगों ने यह फैसला ले लिया है और राजस्थान में इस बार सिर्फ कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी बल्कि परिपाटी बदलेगी और इस बार जन कल्याणकारी योजनाओं की जीत होगी। और हमारा जो गारंटी है, उस गारंटी को हमने सिर्फ गारंटी के रूप में कागजों पर लिखा नहीं है, ऑलरेडी 5 साल के सरकार में उन गारंटियों को हमने लागू किया है। जनता इस बार अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए जो सरकार काम करती है, उनके लिए काम करती है, उस सरकार को अपना आशीर्वाद देगी और राजस्थान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जन कल्याणकारी सरकार की दोबारा जो है पुनरावृत्ति होगी, पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और आप लोग जो भी आपके मन में प्रश्न हैं आप पूछें और मैं यथासंभव उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। थैंक यू। सवाल ये है आपसे, जातिवाद को पसंद करते हैं, जाति को पसंद करते हैं, क्योंकि जातिवाद, जाति गणना आपने बात की ना, तो जातिगत गणना हम करवाएंगे। हम मानवता को पसंद करते हैं। बैठिए प्लीज। यदि योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया है, उनका कहना है कि इसकी जो कमाई होती है वो आतंकी। वो योगी जी आएंगे तुमसे पूछने से, हमसे हमारी योजना, हमारी सरकार, हमारी पार्टी के बारे में। एक मिनट,
मेरे ख्याल से अब प्रश्न की बार बार पुनरावृत्ति है। आप सब लोग आए, आप सब लोगों ने जो है हाँ, वो विधानसभा चुनाव के बाद, अभी विधानसभा चुनाव की बात कर लेते राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए क्योंकि सरकार ने कहा कि कोविड के चलते सेशन जो है वो ही रेगुलर है, लेकिन हमारा कमिटमेंट है, मैं आपको बता दूं, NSYI ने अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में ये रेजोल्यूशन पास किया है कि पूरे देश में छात्र संघ चुनाव लागू होना चाहिए, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। छात्र संघ के चुनाव अगर होंगे तो नेताओं की, कार्यकर्ताओं की नई पौध आती रहेगी, राजनीति में जो है ताजी हवा का जो है स्पेस रहेगा, ताजा पानी आता रहना चाहिए, बहता रहना चाहिए।